मैंने कब स्मोकिंग शुरू की इसका मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है शायद मैं 10th क्लास में पढ़ता था जब मेरी आउट स्कूलिंग हायर सेकेंडरी कुपवारा में शुरू हुई। तो 10th के बाद मैं जब वहाँ पढ़ने गया PUC में, 11th में जब मेरी वहाँ पे क्लासिंग शुरू हुई, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होकर फिर मैंने धीरे धीरे वहाँ के गलत एटमॉस्फेयर में जुड़ के फिर मेरा वहाँ पे स्मोकिंग शुरू हो गया। वाह, जब से मैंने ये स्मोकिंग छोड़ दी तब के बाद अगर मैं बात करूँगा तो मेरे जिस्म में मस्बत तब्दीली आनी शुरू हो गई। तो आजकल मुझे लगता है कि मेरा सीना जो है ये बिल्कुल एक जैसे एक नवमौलूद एक बच्चा होता है, नवजायदा एक बच्चा होता है, तो ये सीना बिल्कुल उसी तरह है। तो मैं 2015 में मैंने क्विट किया, तो 15 से लेके आज तक ये एक मोटिव रहा मेरा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स फील्ड में हूँ, मेरा बेटा स्पोर्ट्स फील्ड में, मेरा भाई स्पोर्ट्स में, मेरा बेटा इंडिया खेल रहा है, अभी इंडियन टीम में स्पॉन्सर है। तो मैंने जब स्टार्ट किया अपना करियर क्रिकेट का एज अ बॉलर, मेरी तकरीबन उस पाँच ओवर उस पाँच वायर पर लाया मैं अक आद था, मतलब इतना शरी शरी मजे गिना गिना तो चो मे पद बने मैं हैबिट असल सिगरेट नश कहें कहना मैं त्रो सिगरेट बस बो मकल मोदूस। आज दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं, अभी अभी हमने छोड़ा है, फिर 10 दिन बाद कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ, फिर 15 दिन बाद कहते हैं कि मैं एक पी रहा था अब आधा पी रहा हूँ, फिर एक महीने के बाद फिर से शुरू। ऐसे 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 छोड़ने को छोड़ना नहीं कहते, छोड़ना है तो एक बार छोड़ो, क्योंकि इंसान से बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने मन बनाया तो कुछ भी पॉसिबल है। मैंने वन चम दोनों चीज ही मैं बचे दोनों ही इनको छोड़ो छोड़ो तैयार बो कैर इमी चीजन कि मे सेहत रोजान ठीक मे मसलस बयान कर मतलब सुबह कल शुगा बहुत सुबह थोद हाँ वह क्या गुजा खेम अस पे बहुत गुजा अस पे हाँ खे टोटल गुजा हाँ खेस गिर मतलब यह बाडी से मंगान ये एक्चुअली कहें यह दिमाग मज गलत क्यों आसान इस मजबूर करा चंदन से वल बह दु बुझे सजान अम खे ये मसा नहीं है पत् बना इंसान आद था कुछ सात टेंशन या कह वे टेंशन वसान सह शराब त्रो मे मे दिमाग मे गलत है गलत है गलत छोड़ दिया तो छोड़ दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है बस विकनस बिल्कुल मतलब तुम विकनस फिजिकली बस बिल्कुल फिट तूत पैगाम तेन खुद पैगाम कि दिमाग मे नियो तुम कि सिगरेट कह चीज मैंने छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया बस मसल खत्म सही हे पे पान मर्द वन इस वन कि मतलब मे त्रो कह चीज त्रो अगर तुम दुम फिर बे अपनो सो सक सही नफर ऐसे कहीं। देखिए जहाँ तक सिगरेट स्मोकिंग की बात है, मैंने तकरीबन 1996 में सिगरेट स्मोकिंग शुरू की और 2013 में मुझे मौका मिला कि मैंने इसको हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कहा। तो आज 2013 से लेकर आज तक तकरीबन 11-12 साल हो गए और मैंने आज तक सिगरेट को छुआ ही नहीं है। तो जहाँ तक सिगरेट छोड़ने का ताल्लुक है तो मुझे लगता है कि यह एक बहुत बुरी आदत है जो हमारे जिस्म को कमज़ोर करती है, जिस्म को ही नहीं बल्कि ये एक समाजी बुराई भी है, क्योंकि हम किसी महफिल में नहीं बैठ सकते हैं तो हमारे जिस्म के अलावा ये हमारी समाजी ज़िंदगी पर भी बड़ा मनफी असर डालता है। तो तब के बाद जब से मैंने कहा बस नींबू पानी अपने साथ रखो, नींबू पानी बना के रखो, एक जग नींबू पानी बना के रखो, जितनी बार स्मोकिंग करने का इरादा होगा उतनी बार पानी पियो। अगर आपने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो उसके बाद मेरे पास आ जाना, ये आपसे वादा है, 4 दिन में स्मोकिंग छुड़वा दूंगा। उन तमाम लोगों को जो आज भी सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या टोबैको की जितनी भी किस्में हैं जो इस लत के शिकार है, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये छोड़ना, सिगरेट छोड़ना या टोबैको छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो हमें चाहिए वो विल पावर होता है। और जिस शख्स के अंदर जितना ज़्यादा विल पावर होगा तो वो इसमें ज़्यादा कामयाब हो सकता है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँगा, मुझे जब मैंने सिगरेट स्मोकिंग क्विट की तो उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे अंदर ये विल पावर है, और अगर हम ज़िंदगी के बाकी मामलों पर भी यही विल पावर इस्तेमाल करेंगे तो इंसान कामयाब हो सकता है। और के बाद मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाता था, तो मैं देख रहा था कि जब हम किसी नेशनल लेवल पर जाते हैं खेलने के लिए या किसी कैंप में फिटनेस कैंप में जाते हैं, तो वहाँ के लोगों की फिटनेस देख के मुझे लगा कि नहीं मेरे में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं स्मोकिंग करता था। तो वो मैं मुझे लगा कि वो एक पॉइंट बना मेरी लाइफ में जिस वजह से मैंने स्मोकिंग क्विट की। और इसमें स्मोकिंग क्विट करने में मेरी वाइफ का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा, शी इज़ ए टीचर बाय प्रोफेशन। एक बार बीमार हुआ था मैं, डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके ना क्या कहते हैं आपके नेक में अंदर आपके वोकल कॉर्ड्स में क्रैक्स पड़े हैं, इन्फेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। तो उसने मुझे बुलाया उस दिन, कहा कि अगर आपने स्मोकिंग क्विट नहीं की तो हो सकता एक दो साल में आपका भी राम नाम सत्य हो जाएगा, आप चले जाओगे। तो वो एक डर भी था। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर जो विल पावर है दैट इज गिविंग द मोटिवेशन टू ग्रो अप एज ए मैच्योर पर्सन, कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है और अपने सोसाइटी में अपने एटमॉस्फेयर में। सबसे बड़ी बात पहले तो आपके लुक्स ही खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपके जो कलर चेहरे की रौनक है वो खत्म हो जाती है। जो स्मोकर्स हैं उनको बताऊंगा कि कैसे आप स्मोकिंग क्विट कर सकते हो। 2-3 दिन अपने कमरे में रहो, वहाँ पे नींबू पानी बना के रहो, जैसे ही स्मोकिंग का आपको इरादा पड़ जाएगा एकदम से नींबू पानी पी लो। यही रेमेडी मैंने शुरू की, 2-3 दिन लगातार मैंने नींबू पानी पिया
लगातार, जैसे मुझे स्मोकिंग का टेंशन होता था तो मैं नींबू पानी पिया करता था। तो तीन चार दिन मेरा थोड़ा मतलब कुछ भी नहीं हुआ सर, मुझे लगता ही नहीं आज कोई इतना इम्पैक्टफुल होता है कि आप सिगरेट छोड़ नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी से अपने सेहत से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। मैं इसमें सारा क्रेडिट अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ। दूसरा ये कि मैं एक क्रिकेटर हूँ, तो मुझे लगा कि कम्पिटिटिव लाइफ में एक लंगड़ा घोड़ा नहीं चल सकता, उसमें आपको फिटनेस, उसमें आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, तो आप जाके फिर आगे बड़ा क्रिकेट खेल सकते हो, बड़ी पोटेंशियल और एनर्जी आप में आ सकती है। सबसे दूसरी बात ये घर का एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जब बड़ों की नज़र आप पे हो, माँ बाप को भी चाहिए बच्चों को डराए, पैसा देना बंद करे गलत कामों से, कुछ दिनों के लिए घर में कमरों में लॉक करके रखो, ये नशा छूट जाता है। ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरी वाइफ का है। अच्छा।